सरदारनी सुखनिंदर कौर ट्रस्ट जो कि लोहारा मोगा विखे है, ट्रस्ट वालों सरदारनी सुखनिंदर कौर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। बीते दिन ही सरदार चमकौर सिंह जो इस ट्रस्ट के चेयरमैन सन अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके गुरु चरणा च जा विराजे ने। उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा विच लगाया। उन्हां दी मेहनत सदका यह हस्पताल दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इस हस्पताल वालों बहुत ही वधिया तरीके नाल काम कीते गए। इस हस्पताल वालों समय समय ते अलग अलग स्थानां ते फ्री मेडिकल कैंप लगाए जांदे ने, जिसका रोगी वध चढ़ के लाहा लैंदे ने। साडी टीम ने उन्हां दे परिवारिक मैंबरां नाल गलबात कीती। सरदार चमकौर सिंह जी दा संस्कार मंगलवार सवेरे 9 बजे कीता जाएगा अते शुक्रवार नूं पिंड दे गुरद्वारा साहब विखे भोग पाए जाणगे। सुखजिंदर कौर ट्रस्ट जिन्हें कि हॉस्पिटल की सेवा कराई इस पेंडू इलाके दे विच, उस दे फाउंडर चमकौर सिंह जी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा की, अज इस दुनिया में नहीं रहे। अस गलबात कर जा रहे हैं उन्हां दी फैमिली दे नाल। भाई जी, तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो दे विच। की कहना चाहोगे कि ऐसा इंसान जिहड़ा अपने लिए तो हरेक बंदा जिउंदा, पर जिहड़ा लोगों के लिए जिउंदा, लोगों की सेवा करता, की कहना चाहोगे? जिथे बहुत बड़ी गल समझ विच आउंदी है कि सेवा जिहड़ा हैगा ये जीवन का एक बहुत ही बड़ा रूप आ, जिहड़ा कि परमात्मा दे वल्लों बख्शिश हुंदा वा। बापू जी सरदार चमकौर सिंह जी जिन्हां ने अपने जीवन काल दे विच बहुत ही लंबे समय विच ये सेवा जिहड़ी हैगी आ आरंभ करके सिरे तक पूरी चंगी तरीके दे नाल खुश हो के निभाई आ। ये जिहड़ियां सेवावां ने जिवें सरदारनी सुखनिंदर कौर चैरिटेबल हस्पताल नूं बनाउणा, बना के फिर उसनों बड़े बड़े पद्धर से चला, लोगों सेवा दे समर्पित करना, एक बहुत ही बड़े जो है परमात्मा की देना उन्होंने उत्ते, जड़ा उन्होंने अखा के बजुर्गों दिया फ्री लैंस पाने का बड़ा कार्य किया वा, उन्होंने भी उन्होंने अपने कार्यकाल जो उन्होंने रल के सारे स्टाफ न रल के सारे इंडस्ट्री रल के इलाके रह के ये जीवन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया वा, जिथे तक कि आप कह सकिए कि आम इंसान का करना और उन्हों कंटिन्यू चालू रखना यह भी एक बहुत बड़ा जिहड़ा काम आ, ये परमात्मा की बख्शिश के नाल ही हुंदा वा। सतगुरां ने उन्हां दे सिर दे उत्ते एड्डा वड्डा हथ रख्या सी कि मैं जीवन में देखिया कि वह कदे डोले नहीं गए, पर जिहड़े भी काम नूं उन्होंने हथ पाया उस काम नूं उन्होंने सिर मत्थे दे उत्ते रख के पूरा चंगी तरीके दे नाल उह सेवावां नूं चंगी तरीके नाल निभाया वा। भाई जी, कोई सांझा काम होवे पिंड दा, कोई धार्मिक स्थान दा गल होवे, कोई किसानां दा मसला होवे, जिस तरीके नाल आपां देखिया कि पिछले दिनां च उन्होंने बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़े किसान धरने दे बैठे, ईवन हुण तक भी वो जिहड़ा हैगा, चाहे उन्होंने लंगर पहुँचाउण दी सेवा होवे, चाहे होर सेवावां होण, कदे पिछे नहीं हटे और पिंड दे लोकां नूं लामबंद करके उन्हां नूं अपने नाल जोड़ के उन्हां नूं अटैच करके और आपदे कोलों खर्चे कर करके आपदे कोलों बसां भेज भेज के एक ऐसी शख्सियत जिहड़ी हैगी रूह इस पिंड दे विच्चों इस इलाके चों चली गई। अपने तो परिवार वाले सीगे, लेकिन आने लगता लोगों आस पास के पिंडां नूं भी साडा भी एक मसीहा जिहड़ा हैगा वो दुनिया च नहीं रहा। देखो गल ये है जी, जिवें हुण असीं एक गल करदे हां कि साडा जिहड़ा ये नगर लोहारा, लोहारे विच उन्होंने एक जिहड़ा टोभे का कार्ज सीगा सब तो पहला बहुत वड्डा कार्ज वो किया, वो कार्ज जिहड़ा सी
जिथे कि डीसी साहब उस 16 लाख करना चाहते थे, उन्होंने आपके पल्यों पैसे खर्च के ट्रालियां ट्रैक्टर नाल ला के नगर निवासियों नाल ला के वो टोबन भरवाया। टोबन भरवा के उत्थे बहुत ही बढ़िया एक जो कार्ज किया उन्होंने कि वो उत्थे उन्होंने एक सभ्याचार का केंद्र भी स्थापित किया वा। जिस तरह तुम गल करते हो कि जिमें उन्होंने किसानों की सेवा की है, किसानों की सेवा दे विच उन्होंने इतों अपने सरदार लखवीर सिंह होरां नूं भेज के उन्होंने नाल साढ़े जिहड़े मित्र प्यारे भरा रिश्तेदार सीगे नाल गए उन्होंने, उन्होंने उत्थे ये महसूस किया कि उत्थे उन्हां लोकां नूं जिहड़ी चीज़ की जरूरत आ वो दित्ती जानी चाहिए आ। तो उन्होंने उत्थे जिहड़ियां उत्थे मशीनां दित्तियां सीगियां वो मशीनां इस करके दित्तियां सी कि उन्होंने किसानों कपड़े धोने की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सी, उन्हें सॉल्व करने वास्ते उन्होंने उत्थे मशीनां दित्तियां। नाल दी नाल उन्होंने जिहड़ा हैगा जंगल पानी जाण दा लैटरीन जाण दा एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी, वो भी उन्होंने उत्थे उत्थों लै के जिहड़ियां वो जिहड़ियां आर जी लैटरीन मिलदियां ने वो उन्हें उत्थे स्थापित कीतियां, तो उन्होंने सफाई करने वास्ते भी जिहड़े उन्हां दा खर्चा सीगा वो भी इन्होंने आपके कोलों इत्थे भेजदे आ ताकि उन्होंने लोगों जी प्रॉब्लम उन्होंने बड़े सौखे तरीके उतों का जो निर्वाह उन्होंने हो सके, उन्होंने जोड़ा मोर्चा है उन्होंने आपका कंटिन्यू चलता रहेंगे। इस तरह नगर निवासियों के भी उन्होंने जिम्मे स्कूल है, स्कूल के बहुत व्डा कार्ज किया वा, स्कूल के बहुत व्डे कमरे पवाए ने, नवोदया स्कूल है साडा जोड़ा, ये सारा कार्ज बापू जी ने खुश खुश हो के आप अगे लग के किया वा। हुण अज जवाहर नवोदया स्कूल का ना इतों जोड़ा भी बच्चा पढ़ के जाता वा वो आपके जीवन का जोड़ा पद्धर उन्होंने उच्चा चुकता, नाल दी नाल हारे पिंड का भी नाम बनता, नाल नाल उन्हां दे परिवार का नाम बनता। यह जे कार्य जोड़े है वो आप अगे लग के करते सीगे, ऐं लगता सी जिवें बापू जी एक जंग नौजवान जोड़ा हैगा वो साडे मूहरे मूहरे भज्जा फिरदा कि उन्हां दे नाल नाल मुंडे उन्हां दे नाल नाल बजुर्ग भी रल के ये सारा कार्य इस तरह ही करते सन। सर कैंपां दी गल करिए, असी सानू सुभागा प्राप्त सीगा कि असी उन्हां दे कैंप कई कवर कीते आ, उन्हां 'च बड़े एनर्जी दे लैवल उन्हां दे होर वधे हुए हुंदे सीगे और हमेशा बंदे नूं लंगर पानी दा अरेंजमेंट होर चीज़ां दा अरेंजमेंट दवाइयां दा अरेंजमेंट उन्हां दे ऑपरेशन करा के लियाउण दा अरेंजमेंट और डाक्टर नूं उत्साहित करना हमेशा उन्हां 'च पॉजिटिव एक ऐसी एनर्जी सीगी कि वह जिहड़े बंदे नूं मिलदे सी डॉक्टरां नूं मिलदे सी तां उन्हां दा मनोबल वधा दिंदे सीगे, पेशेंट्स नूं उह लगदा नहीं सीगा वी असीं आपदी अक्खां क्योंकि कोई भी ऑपरेशन कराने लई बंदे ने जाना तां थोड़ा जिहा डर हुंदा मन दे विच, पर बापू जी तां उन्हां नूं जिद्दां कोई टूर ते जांदे हुंदे उवें उन्हां ने मतलब उन्हां नूं माइंडसैट बनाता सी। अखां की जिहड़ी प्रॉब्लम आ जी बजुर्गों की सब तो वड्डी मेन प्रॉब्लम आ, क्योंकि हुण जिहड़ा जिहड़ा अखां दा इलाज हैगा वा वो बहुत ज़्यादा बड़ा महंगा, क्योंकि इहदे विच फैकोसर्जरी दे नाल लैंज पैंदे ने, भावें सरकार ये बहुत वड्डा कार्ज करदी आ पर बापू जी ने यह गल आपदे हिरदे विच धारी सी कि मैं एक चंगा ते नेक कम करना वा, सस्ता नहीं करना, पैसे जिन्ने मर्जी लग जाण असी बजुर्गों वो लैंज प्रदान करांगे जिहदे नाल लंबे समय तक उन्हां नूं दिखदा रहेगा अते वो जिहड़ा आपदा कार्यक्रम आ सारा वो आप किसी तों नाल बिना सहारा ले ही करनगे। इस तरह ये जिहड़ा वड्डा कार्ज हस्पताल दे विच कीता गया वा लंबे पद्धर दा जिहदे विच हुण तक 3 लाख दे करीब चैकअप कीता गया वा ते 15,000 दे करीब जिहड़ा लैंज हैगा वो प्रदान कीता गया उन्हां बजुर्गों नूं। बजुर्ग जदों हस्पताल दे विच आउंदे सी तां पहलां हथ जोड़दे सी, उन्हां नूं हथ जोड़ के कहिंदे सी आओ भाई जी आया नूं, सारिआं नूं फिर कहिणा चलो भाई पहलां सारे जणे लंगर छक के आओ फिर आ के बैठिओ, सारिआं दी जणी सेवा दा उन्हां ने पूर्ण आप उत्थे खड़ के ही ध्यान रखणा वा। उस ध्यान नूं करके कल्ले कल्ले बंदे नूं कहिणा बेफिक्र रहो तुहाडा जिहड़ा कार्ज हैगा इहनूं असीं बड़े चंगे तरीके नाल करांगे। लुधियाणे दे विच नवजोत सिंह चोध जो कि चुग एक बहुत ही मोती दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने जिन्हां ने इस सर्जरी नूं जिहड़ी जिहनूं फैको सर्जरी कहिंदे आ उहदे नाल जिहड़े अखां दे विच लैंज प्रदान कीता जांदा वा, उह लैंज दी जिहड़ी कीमत आ इह वी महंगी आ, उहदे नाल दे नाल जिहड़ी इहदी उमर आ लैंज दी इह वी बहुत वड्डी आ, ते उह जिहड़ा वी बंदा लैंज पवा के जांदा सी कदे अज तक उसने इह नहीं किहा कि मैं इस हस्पताल दे विच्चों लैंज पवा के गया सीगा पर मैनू आ प्रॉब्लम आई आ, मैनू 20 साल हो गए ने उन्हां दे नाल इह जीवन 'च मैं सारे कार्ज कीते ने पर उन्होंने कदे किसी का मैं लांभा अज तक नहीं सुना। जे कोई किसी नूं प्रॉब्लम किसी किस्म की भी बीमारी की प्रॉब्लम भी हस्पताल में आ गई तां भी उन्होंने आप डॉक्टर दे कोल जाना लै भाई आह जिहड़ा काम आ इन्हां दा बड़ा चंगी तरीके नाल करो, साढ़े नाल लुधियाणे भी उन्होंने आप जाना
आप जाके कल्ले कल्ले मरीज़ नूं मिलना, डॉक्टर साहब नूं जाके हदायतां करनियां कि साडा जिहड़ा आ जिन्नी बस आ साडी भरकी आई आ, असीं इस नूं चंगे तरीके नाल करके ले जावांगे। शाम नूं फिर जदों बस उत्थों वापस आउंदी सी हस्पताल विच, दरवाजे दे मूहरे खड़ जांदे सी, दोनों हथ जोड़ के कल्ले कल्ले बंदे नूं बस तों जदों उतरदे सी, उन्हां नूं नाले तां सति श्री अकाल आखदे सी, नाले नूं कहिंदे भाई बहुत चंगा हो गया, ये जिहड़ा कार्ज तुसीं करवाया वा परमात्मा तुहाडे ते बहुत वड्डी कृपा करे, उह जिहा सीसां नाल दिंदे सी। फिर इसे तरह सारयां दा प्रबंध वेखदे सी कि उन्हां दा रहण वास्ते प्रबंध चंगी तरह कीता गया, उन्हां दा रोटी पानी दा प्रबंध चंगी तरह कीता गया। तड़क्यों सवेरे सारे पहलां ही उठदे सार हस्पताल जांदे सी, फिर सारयां दीआं जिहड़ियां पट्टियां हौली हौली लुहाउंदे सी, फिर उन्हां नूं उन्हां दे विच दवाइयां पैंदियां वेखदे सी, उन्हां नूं पुछदे सी क्यों भाई तैनूं दिखदा, उन्हां ने कहना बापू जी बहुत सोहणा दिखदा, तुहाडी बहुत लंबी उम्र वे, वड्डियां वड्डियां उन्हां जिहड़ियां बजुर्गां दीआं सीसां सी उह बापू जी नूं लगियां होईयां सी, तां ही इन्नी लंबी उम्र बड़ी खुश होकर उन्हां ने भुगती आ कि आ देखो जिहड़ी उन्हां दी मौत आ बड़ी सौखे तरीके दे नाल, पता ही नहीं लग्या कि किहड़े वेले उह इस धरती तों चले गए ने। अज उन्हां दी जिहड़ी घाट आ उह सानूं बहुत ज़्यादा महसूस हुंदी आ, जिथे उन्हां ने यह कम किए ने नाल आपदे परिवार नूं भी बहुत ज़्यादा उच्चा चुकिया। जिहड़ा भी कोई बंदा उन्हां दे कोल होर भी चल के आ गया, उन्हूं चंगीआं स्कीमां दे के उन्हां नूं चंगी वधिया चंगी तरीके नाल आपदे वल्लों दसना कि आह कम तुसीं कर लो, ये नाल तुसीं तरक्की कर लोगे। जिन्ने बंदे उन्हां दे नाल जुड़े ने मैनूं अज तक कोई बंदा विखाई नहीं दिता जिहड़े बंदे ने तरक्की नहीं की, भावें वह मुंडा नौजवान होया, भावें उन्हां कोई बजुर्ग सी, भावें कोई उन्हां को बाहरों चल के आ गया, उन्होंने उन्हें हैल्प करने वास्ते हर वक्त तैयार रहना कि मैं तेरे वास्ते दस की कर सकदा। तो आपदे कोलों भी जदों परिवार दे उत्थों उन्हां दे लड़के जिहड़े बाहर अमेरिका च रहिंदे ने सरदार कुलविंदर सिंह जी, बलविंदर सिंह होनी जदों इत्थे आउंदे सी तां उन्हां नूं सद के कोले बिठाउणा, इन्हां नूं कोई चंगी मत दे दिओ, इन्हां नूं कोई चंगा रस्ता दे दिओ तां कि जिंदगी दा तरक्की दा राह अपना लैन, ते जां कहना इन्हां दी मदद करो। पैसे वल्लों भी उन्होंने इन्नी मदद की आ जिहड़ी कि मैं तुहानूं दस नहीं सकदा, लखां दे लिहाज नाल बच्चियां नूं पढ़ाइयां वास्ते पैसे दित्ते आ, लखां दे लिहाज नाल बच्चियां नूं बाहरले देशों विच जाण वास्ते उन्होंने पैसे दित्ते आ। ये मैं झूठ नहीं बोलता, यह गल बिल्कुल सच आ कि उन्होंने वो सारा कार्य जिहड़ा खुश खुश होकर किया, तदी परमात्मा ने उन्होंने जीवन दे विच उन्होंने इन्नियां खुशियां बख्शियां ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई जी, एक ऐसा इंसान जिन्हें छोटा जिहा जिहड़ा बूटा लगाया सी, शानदार पेड़ का रूप धारण करा के अज जिस तरीके नाल वीर जी ने दस्सिया कि 3 लाख के करीब जिहड़े लोग आ उन्हां दे चैकअप और 15,000 के करीब जिहड़े हैगे आ ऑपरेशन जिहड़े हैगे आ फ्री हो चुके आ, और जिस तरीके नाल भाई जी ने साडा गलबात करदे उन्हां दी जिंदगी ते रोशनी पाई है, की कहना चाहोगे कि उन्हां दे जिहड़े कार्ज चलाए हैगे आ हुण इह सारा परिवार फिर एक मुठ हो के उन्हां कार्जां नूं अगे भी नपेरे चाड़ूगा और अगे भी इस गल का बीड़ा चुकूगा कि जो सेवा का बूटा उन्होंने लाया इस पिंडां दे विच इस इलाके दे विच उहनूं अगे कामयाब किया जाऊगा। हाँ जी, मेरे वो वड्डे भाई सीगे, मैं उन्हों तो छोटा वा, वो मेरे 12 साल बड़े से, इस वे 84 साल की उम्र भोग के वह दुनिया तो चले गए। जेड़े कार्य कर गए जिस तरह दसे इन्होंने हस्पताल का नवोदया विद्यालय का जां पिंड दे स्कूल का जां एक पार्क बना के एक रख्या होया, असी जो भी चीज़ां पिंड की खातर बनाईयां जां लोकां दी खातर बनाईआं उह इसे तरह चलदियां रहणगियां, उहनां दी घाट असीं महसूस नहीं होण देवांगे। वैसे असीं आप मानदे हां वी सानूं उहनां दा घाटा बहुत ज़्यादा पिया वा, फिर भी असीं लोकां नूं उहनां दी जिहड़ी हैगी आ घाट नहीं महसूस होण देवांगे। सर, जिदां उहनां ने परिवार नूं लड़ी च परो के रख्या सीगा कि सारे भरा जिहड़े हैगे आ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਲਾਏ ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਹੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਕੇ
और एक ऐसी सेवा दे विच लग गए जिहड़ी कि सेवा अज नौजवानों दे विच देखण नूं बड़ी घाट हैगी आ। की कहना चाहोगे कि जिस दिन दे तुसीं उहनां दे नाल टच चाहे और जिन जिस दिन ते उहनां ने तुहाडे सिर दे उत्ते हत्थ रख्या नाल उस दिन तो तुहाडी लाइफ आ जिहड़ी जिस तरीके दे नाल सेवा दे विच लग के फेस दे विच इंप्रैशन उन्नी एनर्जी कार्ज भी करदे हो नाल समाज सेवा दे हॉस्पिटल भी चला रहे हो बिजनेस दे विच भी आपदे पूरी तरह निपुण हो और मेहनत कर रहे हो की कहना चाहोगे? उन्होंने तो सानू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने उन्होंने सानू हॉस्पिटल दे विच सेवा कर लाया गा उन्होंने हिम्मत दे नाल असी कैंप लाने होर भी पिंड दे विच जिन्हें भी कोई सेवा दे कार्ज आ गए उन्होंने सानू मूहरे ला के आप साडे बैक ते खड़ के साथों करवाई आ गए। वीर जी वो इस दुनिया च नहीं रहे लेकिन उन्होंने जिस तरीके का आशीर्वाद तुहानू दिता और तुहानू अपना चेहता जिदा मतलब ये रिलेशन है जिहड़ा वो परमात्मा नूं पता हुंदा वी किहड़े रिलेशन हैगे आ। की कहना चाहोगे कि उन्हां दी जिहड़ी वो सोच सीगी जिस उद्देशां नूं लैके उन्होंने स्टार्ट किया सी और तुहानूं शबाशी दिंदे सीगे उही सेवावां जिहड़ियां हैगियां वो उस तरह हॉस्पिटल आस पास के इलाके नूं जिदा एक बहुत वड्डा गैप लगता है वो गैप तो आपां नहीं भर सकदे गे ना उन्हां दी आपां कमी जिहड़ी हैगी आ महसूस हुंदी रहेगी जिंदगी भर लेकिन उन्हां दी जिहड़े कम कारज दी जिहड़ी सीगी शैली हैगी आ वो उस तरह एनर्जैटिक तरीके नाल चलदी रहेगी। जिहड़े भी काम चलते सी हॉस्पिटल दे विच जो भी सेवा चलदियां सी जां पिंड दे विच जिद्दां भी हुंदा सी कोई भी कोई कार्ज करना है वो सारे उद्दां ही चलते रहेंगे उस तो भी वध चढ़ के करांगे उन्हां दी याद दे विच भी करांगे सारा कुछ उवें चलूगा। और वीर जी किस दिन दिल दा उन्हां दा दाह संस्कार हैगा और किस दिन दा भोग है? उन्हां दा दिन मंगलवार सवेरे 9:30 बजे संस्कार हैगा और शुक्रवार नूं 12 बजे पिंड दे गुरद्वारा साहिब दे विच भोग पाएगा। वीर जी मोर्चरी जिहड़ी वह बहुत वड्डी गल है क्योंकि आस पास के इलाके दे विच बड़ी इस चीज़ की घाट सी जो उन्होंने बनाई इत्थे और आप देख सकते हैं कि ये जिहड़ी NRI बैल्ट हैगी और NRI बैल्ट दे विच लोग जिहड़े हैगे आ क्योंकि कोई बाहरले मुल्कां दे विच महीना महीना भी नहीं कई बार लोग आ सकते होंगे अपने पैरों के लिए मिलन के लिए ये जिहड़ा बूटा लाया सी उहदे बारे की कहना चाहोगे? मोर्चरी 20 साल हो गए मोर्चरी चलती नूं इहदे विच पिंडां दीआं डेड बॉडीज रखी जांदियां हैगियां जिन्हां दे कोई परिवार के मैंबर फॉरम दे विच आ गए उहदे लई हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन भी डेड बॉडियां साडे कोल पईआं रहिंदियां हैगियां उहनां दी असीं पूरी वधिया ढंग तरीके नाल संभाल कीती जांदी। और वीर जी जो कोविड दे इस एपीडेमिक दे विच क्योंकि आस पास हाहाकार मचियां पईआं सीगियां पिंडां दे विच शहरां च की आक्सीजन है नहीं ऑक्सीजन है नहीं और इत्थे भंडार जिहड़ी हैगी आ परमात्मा दी कृपा दे नाल इन्ने ज़्यादा सीगे कि बहुत सारे लोगों को जिहड़ा हैगा इस हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी कारण होने वाली मौतों तो बचाया और करोना के एपीडेमिक दे विच भी हॉस्पिटल ने सेवा की नाल अखां दे मरीजों की भी सेवा की नाल करोना के मरीजों के लिए भी जिहड़ा हैगा हॉस्पिटल ने अपने दिल खोल के जिहड़े वार्ड खोले और लोगों उस वड्डे खर्चे तो बचाया जिहड़ा कि उन्हां नूं कितें होर जाण च लगदा सी। सरदार चमकौर सिंह जी ने मतलब सानू बिठा के सारे स्टाफ ने एक गल कही सी भी आपां सेवा करनी है पैसा नहीं कमाउणा उहदे लई असीं ऑक्सीजन के प्रबंध भी साडे कोले पूरे सीगे दिन दे विच 3 तों 4 वार साडी एंबूलेंस मोगे ऑक्सीजन लई जांदी सीगी 8 तों 10 मरीज डेली एडमिट रहिंदे सीगे उह असीं इक सेवा दे रूप दे विच ही सेवा कीती आ कोई इह नहीं गा वी उहनां तों कोई पैसे लए आ गए चलो जिन्ना कोई खर्चा पानी सी उहनां तां लिया पर आम हॉस्पिटलां वांगू कोई लुट नहीं मचाई गई। वीर जी की तुहाडा संदेश रहेगा अज्ज उस बिछड़ी रूह ने जिस तरीके नाल आपां देख सकते हैं कि करोना भी नगाया और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं किसी तरह का कोई ऐसी एविडेंस नहीं सीगा कि उन्हां नूं कोई हो जाएगा और जांदे जांदे ही जिंदा हैगा प्रभु ने अपने चरणों के वाहिगुरु ने उन्हां नूं आपदी गोद च लै लिया की कहना चाहोगे? वो एक रब्बी रूह सीगी उन्हां नूं हार्ट की प्रॉब्लम तो पहले सी पर कल वो बीमार हुए या अद्धा घंटा ही बस बुखार ही होया गया कोई ज़्यादा नहीं सीगे कोई सीरीयस हालत नहीं सीगी बस एक सकेंट ही लगे गया जो परमात्मा नूं मंजूर सी हो। दर्शको असी बने हुए हाँ अज सरदार चमकौर सिंह की याद दे विच और जिस तरीके नाल वीर जी ने हदायतां दित्तियां कि करोना का महामारी होने के कारण जिहड़ा इकट्ठा उह सीमित ही रखा जाऊगा और करोना के जिहड़े भी सरकार के जिहड़े गाइडलाइनस आ उन्हां नूं फॉलो किया जाऊगा। वीर जी धन्यवाद। यह जी जगह पर जिते असी खड़े हाँ हुण इह जगह के उत्ते बहुत ही ज़्यादा डूंघा टोभा सी इस टोभे नूं बापू जी ने आपदे इस नगर के नाल रल के ट्रैक्टर ट्रालियां दे नाल सारी जिहड़ी आ खेतां दे विचों परत लै के इहदे विच पाई
और तुसी देखो ये जिहड़ा सुंदर पार्क बनया हैगा, ये सारा पार्क हैगा, ये सारा ही उन्होंने अपने कोलों जिहड़ा पेट्रोल जिन्ना भी डीजल डूजल पिया ट्रैक्टर जिन्ने भी आए सारा खर्चा जिन्ना होया वो सारा खर्चा इन्होंने अपने कोलों किया। तो हुण इत्थे घट्टो घट्ट ये सभ्याचार केंद्र जिहड़ा हैगा ये स्थापित होया वा। ये सभ्याचार केंद्र बलविंदर सिंह जिहड़े उन्हां दे लड़के ने उन्हां दा इस काम दे वल बहुत बड़ा रुझान आ। तो उन्होंने सारी जिनी भरत पा के जमला जाटी के जो बुत लुधियाने तो लैके इतने लाया तो इतने घट्टो घट्ट उन्होंने 13 बड़े मेले भी लाए आ। तो जिन्हें भी बड़े तकड़े तकड़े कलाकार आ वो इस पिंड दे विच और इस नाके लोगों नूं जिहड़े उन्होंने आके मनोरंजन करके हर साल उन्हों का एक मेला जिहड़ा सी बहुत बड़ा इस जगह दे उत्ते लगता सी। ये जिहड़े बड़े कारज ने ये भी सरदार चमकौर सिंह धारीवाल ने सारिआं नाल रल के किए ने। तो ये एक स्थापित किया केंद्र जिहड़ा हैगा एक बहुत ही बड़ा मशहूर केंद्र आ सभ्याचार का। तो असीं उन्हां दा इस गल दे उत्ते तहे दिलों बहुत धन्नवाद करदे हाँ कि उन्होंने इस इलाके नूं एक सभ्याचार केंद्र दिता। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲੁਹਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਲੁਹਾਰਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ सहयोगी सी उन्होंने रल के सारा कार्य किया। सारा नगर नाल रल के अपने नगर की जिहड़ी जमीन सीगी वह ये नवा जवाहर नवोदया स्कूल के नाँ की गई अते इत्थे बहुत ही वधिया एक स्कूल बनाया गया। यह स्कूल जिहड़ा इहदे विच फ्री विद्या वा बच्चे जिहड़े ने इत्थे ही रहिंदे ने उन्हां नूं जिहड़ा खाणा वह भी बहुत ही चंगे तरीके नाल दित्ता जांदा अते बच्चों की पढ़ाई जिहड़ी हैगी आ वह बिल्कुल मुफ्त आ अते इत्थे बहुत ही सोहणियां जिहड़ियां ग्राउंडां ने वह बनाईआं गईआं ने। हर साल इत्थे सरदार चमकौर सिंह धालीवाल आके चाहे तो वह 26 जनवरी है चाहे 15 अगस्त आ कोई भी इत्थे फंक्शन जिहड़ा हैगा उहनूं वड्डे पद्धर ते जदों कीता जांदा सी उदों वह उन्हां नूं इत्थे बुलाया जांदा सी ते उन्हां दा सन्मान भी कीता जांदा सी अते नाल दी नाल वह माइक सहायता जिहड़ी आ वह इस स्कूल नूं दे के जाया करदे सन और बड़ी वड्डी खुशी महसूस करदे सन कि इत्थों दे जिहड़े बच्चे आ पढ़ के बहुत वड्डियां गां अगे जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं चंगे चंगे अहुदे मिलदे सन ते आप बच्चे बाहर जाके जिहड़ियां तरक्कियां करदे सन तां वह आके बापू जी नूं भी अपना फोन ते दसदे सन कि असीं इस स्कूल दे विचों पढ़े हाँ असीं इस नगर दा और सरदार चमकौर सिंह धालीवाल दा उन्हां दे परिवार दा अते इस इलाके दा ते इत्थों दे प्रिंसीपल साहब जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हाँ कि जिन्हां ने इस स्कूल विच इन्हां बच्चियां नूं विद्या दे नाल नाल खेडां दे विच भी उच्चा चुक्किया। ਭੈਣ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀਗੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
जो भी तुसी गल कहनी स्टाफ ने उन्होंने हमेशा कह देना पॉजिटिव है जी ठीक है और हमेशा खिड़े मत्थे उन्होंने मिलना और जो इस दुनिया च नहीं रहे की कहना चाहोगे उन्होंने लाइफ के बारे में। भाई जी सरदार सुखम कौर सिंह धालीवाल जी बहुत बढ़िया परसन सन गरीबा दे एक मसीहा का रोल अदा करते सारे स्टाफ में बहुत प्यार करते तो अज उन्हों की घाट असी पूरी नहीं कर सकते गे तो असी सारा स्टाफ उन्होंने याद में समर्पित याद करते हैं। ढेर इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरदार सुखम कौर सिंह जी जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा की इस हॉस्पिटल के और इस हॉस्पिटल में एक पेंडू इलाके दे विच होण दे बावजूद भी शहरां दे बरोबर दी जिहड़ी सुविधावां उन्होंने हमेशा इत्थे जारी रखाइयां इस दुनिया दे विच अज्जो नहीं रहे और जिस तरीके नाल स्टाफ दे नाल तुहाडे नाल उन्हां दी कंप्लीमेंशन जो गल तुसीं कहनी उन्होंने मान लैनी और जो उन्होंने कहनी तुसीं मान लैनी कदे तुसीं भी टाइम दी ना परवाह कीती ना किसी तरह की परवाह की कहना चाहोगे अज्ज उन्हां दी जदों कि वह एक ऐसा फुल भरजा चुका जिहड़ा कि आस पास के इलाके नूं भी खुशबू दिंदा सी। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार चमकौर सिंह धालीवाल जी सानू सदीवी विछोड़ा दे गए आ सानू बहुत ही दुख होया ये गल जो कल इदा भाणा वापरिया साढ़े सारे स्टाफ नू सानू बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होया कल अचानक उन्हां दी हालत विगड़ी हार्ट की प्रॉब्लम आई अते एकदम उन्हां नू बस कार्डिक अरैसट हो गया ते उन्हां दी बहुत दर्दनाक उन्हां नू सानू लग बहुत दर्द हो सानू महसूस होया उन्हां दे जान ते बहुत ही वधिया सुभाव सी उन्हां दा सारे हॉस्पिटल के डायरैक्टर सीगे शुरू तो लैके हुण तक सेवा करदे आउंदे सी लैंज भी अखां दे फ्री पाउंदे सी हर साल सेवा करदे सी बाकी जो ओपीडियां वगैरह चलदियां सारिया उन्होंने जो सेवा करनी हर साल उन्होंने आपदा करदे सी सेवा तां जो उन्होंने पॉजिटिविटी तुहानूं दित्ती और जो तुसीं चैरिटेबल हॉस्पिटल च क्योंकि बहुत थोड़ा समा चैरिटेबल हॉस्पिटल दे च काम करना जिहड़ा हैगा ईजी गोइंग टास्क नहीं हुंदा पर तुसी बड़े लंबे समय तो तुसी भी सेवा कर रहे हो और वो भी तुहानू हमेशा अपने बेटियां वांगू समझ के सेवा करवा रहे सी सारे स्टाफ तो भी तुहाडे तों। हाँ जी वो सानू सारे नू अपने बच्चों वर्गे समझते सीगे सानू कदे भी उन्होंने कदे भी कुछ इदा नहीं हैगा कि जो असीं उन्होंने कहना कि सानू ये चीज़ की लोड़ है उन्होंने हमेशा प्रोवाइड करवाई सानू हॉस्पिटल दे विच ते साडी हर एक लोड़ नू महसूस करदे हुए सानू हर एक तरह की सहूलत भी दित्ती इत्थे तो सानू बड़ा माण बख्शा उन्होंने और वो ही उन्होंने जी है पॉजिटिविटी तुम हमेशा उस तरीके मरीजों को अच्छे कोई घाट नहीं महसूस हो दोगे नो डाउट कि बहुत वो घाट पई है लेकिन सेवा चाहिए सारे डॉक्टर दियाँ नर्सिंग स्टाफ दियाँ उदा ही चलनगियाँ। देखो साड़िया सेवावान उदा ही चलदिया रहनगियाँ असं उन्होंने हमेशा याद करते रहेंगे वो साढ़े दिल च रहेंगे हमेशा लिए जिन्होंने सानू इतने बुला के सानू रुजगार दिता सानू इतने आपदे बच्चों वगू रखिया उन्होंने फैमिली वगूर सू ट्रीट किया असी तो उन्होंने हमेशा जुड़े हुए हैं अज भी जुड़े रहोंगे पहले भी जुड़े से ठीक है साढ़े हमेशा दिलों से रहन गए साढ़े जोड़े हॉस्पिटल के डायरैक्टर सरदार चमक कौर सिंह जी धालीवाल अज साढ़े नहीं रहे पिछले दिन वह एक बहुत ही भयानक बीमारी का शिकार हो गए उन्होंने हार्ट अटैक आया जिदे करके वह साढ़े नालों हमेशा लिए तो बहुत दूर चले गए जिन्हों का घाटा सानू बहुत ज़्यादा पिया उन्होंने चले जाने के उत्ते जी साढ़े हस्पताल के ना पूरा होने वाला घाटा पै गया है और असी उन्होंने सानू बहुत ही सेध देंदे सी हमेशा सानू सेध देंदे रहिंदे सी कि हर एक मरीज की मदद करो उन्होंने सेवा करो और उन्होंने बड़े सलीके प्यार उन्होंने ट्रीट करो हमेशा असी उन्होंने सच्चाई दे जिवें और सेवा करते सी ते सानू भी अपने अपने वांग सेवा करने लई प्रेरदे रहिंदे सी असीं हमेशा उन्होंने अपने दिल च याद रखांगे और असीं उन्होंने कदे भी नहीं भुल सकदे। कौर सिंह धालीवाल साढ़े भाई जी सत्कारयोग असीं उन्होंने सारा स्टाफ बहुत प्यार करते हैं ते साढ़े कोलों पिछड़ गए असीं अज उन्हां दी रूह नूं आपदे सारे स्टाफ वालों डॉक्टर साहिबान समूह स्टाफ वालों श्रद्धांजलि भेंट करते हैं परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के नमास बख्शे हमेशा खुश रखे तो असी उन्हों की याद के हमेशा जुड़े रहिए तो इतने इस हॉस्पिटल के हमेशा सेवा करते रहिए।